एक ख्वाब आपको सुनाना चाहता हूं। खुदा करे मेरा ये ख्वाब एक ऐसी ताबीर बन जाए जो कायदे आजम ने देखा था ख्वाब, जो अल्लामा इकबाल की सोच थी। मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि पाकिस्तान का कौमी परचम रो रहा है। मैंने कहा, ए मेरे परचम, तुम क्यों रो रहे हो? कौमी परचम ने कहा, मुझे तन्हाई रुला रही है। कभी इस झंडे के नीचे 13 करोड़ अवाम एक साथ रहते थे, आज सब अपने अपने झंडे बनाकर अलग हो रहे हैं। मेरी नौजवान नस्ल मिले तो उससे कहना कि एक बार फिर इसी झंडे के नीचे आ जाए, क्योंकि इसी में उनकी इज्जत है, इसी में मुल्क की बका है, सालमियत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। शुक्रिया। माजी सवतुल हजरात, तो मैं बात आपसे ये करने लगा हूं कि एक जमाना था, अल्लाह का कितना करम था, जब हम पाकिस्तान में पड़ोसी एक दूसरे के हकूक बाकायदे तौर पे अदा किया करते थे। अगर कोई पड़ोसी परेशान होता था तो दूसरा पड़ोसी उसे बाकायदा पूछता था, क्या बात है भाई, आजकल बड़े परेशान बैठे हो, सर झुकाए बैठो, पुलिया पे क्या हुआ, क्या बोले बताओ, क्या बात है, बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, क्या हुआ, प्रॉब्लम है, हम जो आ रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरे बच्चे हैं गयासुद्दीन, ये किस दिन काम आएंगे, कम घर में पड़े पड़े सड़ रहे, इन्हें काम में लो, अपने कदमों में बैठाओ, दामादी में लो भाई। अब पड़ोसी यही होता है, जमाना था, कोई मर जाता था, पड़ोसी कब्र में लेट के नाम देते थे कि भाई इश्तियाक मेरी मेरी मेरे साइज के, मेरी जैसी कब्र बना गई, वो मर गए, उनकी जगह मैं मर जाता तो अच्छा था, अब वो नहीं है तो इंशाल्लाह उनकी जगह मैं हूँ, मैं वो हाँ सारे काम मैं करूँगा, वो वाले भाई। लोग उस जमाने में इतना प्यार करते थे अपने पड़ोस से, पड़ोस से लोग पहले तस्बीहें मंगाते थे, जा नमाजें सिपारे मंगाते थे। अब जमाना बदल गया है, अब लोग पड़ोस से लीड लेते हैं, वो भी MTV की, ZTV की, ऐसे ऐसे TV की जिसको देखकर वो अपने और अपने बच्चों का इखलाक तबाह कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बुजुर्ग लोग टेलीविजन देखते देखते सो जाते हैं, जब वो सो जाते हैं तो बच्चे बिस्तर से निकल आते हैं, MTV लगाते हैं और जिंदगी का मजा उठाते हैं। पड़ोसियों के हकूक की बात करते करते बताऊं कि लोगों में पहले इंसानियत भी थी। अब कभी कोई आदमी किसी के घर के बाहर पता पूछ रहा होता था तो कोई लोग उसे मिल जाते थे, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे खड़े हो भाई, भाई अतीक का घर ढूंढ लिया हूँ, भाई अतीक का घर नहीं मिल गया, अंदर आ जाओ यार, अंदर आ जाओ, धूप में काहे खड़े हो, कोई शरबत पियो, अभी आपको भाई अतीक का घर ढूंढ के दे देंगे। आज वो जमाना आ गया है कि कोई आदमी गली में से 2 दफा गुजर जाए तो पूरा मोहल्ला पकड़ के उसे आग लगा देता है कि ये तखरीबकार है। जमाना बड़ा डेंजरस हो गया, लोगों के ख्याल बदल चुके हैं। अब तो आप किसी से टाइम पूछे तो वो आदमी झगड़ा करना शुरू हो जाता है। आप किसी से पूछ लो, भाईजान क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, तुम्हारे बाप के लिए घड़ी खरीदी है, क्या टाइम हुआ है, तुझे बता दूं क्या टाइम हुआ है। अब अगर किसी लड़की को टाइम दिया है तो घड़ी खरीदो, इतने बड़े बड़े पंगे लेते हो तो राडो लो, 21,000 की घड़ी ली है, हैं? तुम्हारे लिए गरीब हो, तुम्हें टाइम बता दूं, तेरी अम्मा को भेज, उसे टाइम बताऊंगा, टाइम पूछने आ गए कहीं से नालायक के बच्चे। अरे गरीबो, तुम्हारे लिए हुकूमत ने टावर के ऊपर घड़ी लगाई है, जाओ वैगन में जाओ, टाइम देख के बाबा था। अगला कहते भाई मैं टाइम देखने तो गया था वहां पे, वहां पे जो चाबी देता है वो ऊपर जा रहा था, किसी ने उसकी गोली मारी, पुड़पुड़ी में मर गया, गोली को मुझे याद आया। एक जमाना हो गया कराची के लोगों को पैरासीटामोल, डिस्प्रीन और पेनाडोल खाए, अब तो वो रिवॉल्वर की गोलियां खाते हैं, राइफल की गोलियां खाते हैं। काश एक बार फिर वो मौसम आ जाए कि हम पैरासीटामोल खाएं, डिस्प्रीन खाएं और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं। बहरहाल, तो मैं बात कर रहा था पड़ोसी के हुकूक की और अपने मुल्क की। हमारा मुल्क जो है हमारा ही मुल्क है, कम अज कम हमारे मुल्क के लोग अपने मुल्क में अपने बच्चों को मारते तो हैं। आपको मेरी बात सुन के हंसी आई होगी, लेकिन मैं आपको वाकया सुनाता हूं। मैं इंग्लैंड गया शो करने के सिलसिले में, तो वहां मुझे एक साहब मिले, बड़े परेशान करने लगे, भैया आपको मालूम है मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे इंग्लैंड में, और हमसे अच्छे तो पाकिस्तानी हैं जो वहां रहते हैं, कम अज कम अपने बच्चों को मार तो सकते हैं। मैंने कहा हुआ क्या, मुझे बताया। ओए हो ना क्या यार, देखो ना यहाँ मेरा बच्चा 16 साल का हो गया है, तो जो 16 साल का इधर हो जाता है ना वो अजाब हो जाता है, यानी कि वो 16 साल के बच्चे को आप मार नहीं सकते हैं, यानी कि वो यानी कि पुलिस बुला लेता है वो, तो
तो मैंने अपने बच्चे को इधर एक थपेड़ मारी है, दूर की थपेड़। तो वो जो है वो अपना क्या नाम है, उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस आकर तो मुझे पकड़ के ले गई। तो वो चार दिन के भाई मेरी छित्रोल करके उन्होंने मुझको जो आने के जमानत के ऊपर मुझको रिहा किया। मैंने कहा आपने अपने बच्चे को मारा नहीं? मैं यहाँ नहीं ना मार सकता। मैंने फकट फकट फटाफट के करके करके दो टिकट बनाई हैं लाहौर की और मैं बच्चे को लेकर गया हूँ। और जैसे ही लाहौर के एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं तो मैंने उसको कूटना शुरू कर दिया है। मैं कहा कुत्ते के पुत्र, मैं कहा हर पुलिस बुला। उसने इधर भी पुलिस बुला ली। पुलिस वाले ने आके पूछा कौन है? उन्होंने कहा ये मुझे मार रहे हैं। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे अब्बा हैं। उन्होंने कहा मार खा है, मैं आज सवेरे आप मार खा के आया हूँ। नाज़रीन सामईन, ये जो बात है कि हम अपने बच्चों को कम से कम पाकिस्तान में मार तो सकते हैं, और वो हम इसलिए मार सकते हैं कि हमें पता है कि ये हमारे बच्चे हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में वालिद डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं बच्चे हमारे हैं कि नहीं है, ऐवें हाथ उठाने का क्या फायदा, कल को कोई केस बन जाए। और हमारे यहाँ माशाल्लाह बच्चे जो हैं इसमें हम बहुत ही ज्यादा खुद कफील हैं। एक एक घर में इतने इतने बच्चे हैं कि वालिद को मारने के लिए एक दिन की छुट्टी करनी पड़ती है। और गरीब आदमी क्या करें, इस मुल्क में गरीबों के लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई तफरी नहीं है, एक ही तफरी है, वो है बच्चे। क्योंकि कुछ लोग आबादी को घटा रहे हैं तो गरीब आबादी को बढ़ा रहे हैं ताकि शहर वैसे ही भरपूर रहे।